नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। मृतका के परिजनों ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि प्रसूता को वह लोग लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां पर न तो चिकित्सा अधीक्षक और न ही कोई महिला चिकित्सक मौजूद थी, जिसके चलते वहां मौजूद नर्स स्टाफ ने उन्हें सुबह महिला को लेकर आने को कहा था। डिप्टी सीएमओ ने रात्रि विश्राम से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। भैया, आज जो घटना हुई है, ये आपकी कौन है? हमारी छोटी बहन। छोटी बहन। अच्छा, जब यहाँ पे आप लाए थे, इससे पहले किसी और अस्पताल में गए? सरकारी अस्पताल में। तो वहाँ से क्यों लेके यहाँ गए? वहाँ बोल दिया था कि सुबह लागा। मतलब क्या था, वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं थी क्या? कोई देखा नहीं सर। किसी ने देखा नहीं? बस ऐसे डायरेक्टली बोल दिया हाँ कि ले जाओ, यहाँ कोई है नहीं सुबह। अच्छा, वहाँ कोई मतलब महिला डॉक्टर नहीं क्या? अच्छा, तो वहाँ आप मिले नहीं? मतलब आपका जो मेन डॉक्टर थे, चिकित्सा प्रभारी, उनसे आपकी बात नहीं हुई? नहीं, बात तो उनके नहीं जानता। अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कि आप ले जाओ सुबह लाना, फिर आप यहाँ ले आए। दिक्कत तो थी मरीज। हाँ हाँ, वो तो सही बात। हेलो भाई। नहीं, मैं सर, आप बताइए, यहाँ पे जो आज घटना हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो क्योंकि यहाँ पे स्टाफ तो कोई मिला नहीं है, स्टाफ तो चले गए हैं, है ना। अब इसलिए आए तो कोई स्टाफ मिलता, पेपर्स वगैरह एसडीएम साहब के पास है, एसडीएम से बात हुई तो पेपर्स वगैरह उनके पास है और वो अपने अपने स्तर से जो है इसकी कार्रवाई करेंगे। फिर नशे को सील करने के लिए कार्रवाई उनकी तरफ हो रही है, बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने बोला है और नशे को सील हो जाएगा। आए दिन सर जनपद में कहीं ना कहीं किसी तहसील में घटना इस टाइप की हो जाती है, आपकी स्वास्थ्य विभाग की ऐसी व्यवस्था क्यों चल रही है, इसका कारण क्या? स्वास्थ्य विभाग जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, सारे पेपर्स फेक करके और वहाँ पे जो है पूरी इंक्वायरी करने के बाद में ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम वगैरह मिलता है या और कोई इस तरीके से कोई घटना घटती है तो उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत कर दी जाए। सर, दो घटनाएं लगातार हो चुकी हैं, क्या अब फिलहाल आपकी तरफ एक अधिकारी होने के नाते क्या कोई इस तरह की जांच या कुछ किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल जांच की जाएगी और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ। तमाम सारे अप्रशिक्षित लोग जो है अस्पताल का संचालन, अगर अप्रशिक्षित मिलते हैं तो उन लोगों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जितने भी हैं। कुछ पैथोलॉजी भी है यहाँ पे जो पैथोलॉजी जो जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन है वो तो नामित है, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है तो नाम रजिस्टर्ड है, अगर कोई इस तरीके की कोई कंप्लेंट मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको बंद कर दिया जाए। स्थानीय प्रभारी अधीक्षक की लापरवाही परिजनों ने आरोप लगाया है, निकल के आ रही, उस पर आपका क्या कहना है? इसके विषय में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है और जो जितना मुझे जानकारी। स्थानीय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का रात विश्राम न होना, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।